दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाह रहे हैं और आपका कच्चा मकान है या झोपड़ी डाल के रह रहे हैं या पिन्नी डाल के रह रहे हैं, तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ ले सकते हैं और इसमें आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आपको मकान बनाने के लिए रुपये दिए जाएंगे और उसके तहत आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन कैसे करेंगे आज की वीडियो में जानेंगे, वो भी अपने घर बैठे ही आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। घर बैठे ही अपना लिस्ट में जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट होती है उसमें नाम अपना दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, नाम दर्ज के लिए हम इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल का जो लिंक होगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस साइट का होगा pgportal.government.in। इस पोर्टल पे आ जाएंगे। इस पोर्टल पे आने के बाद में यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्टर्ड लॉगिन, तो हम इस पे एक सिंपली क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपको यूजर लॉगिन मिल जाएगा। जैसे ही आपको यूजर लॉगिन मिल जाएगा, आपके पास में आईडी और पासवर्ड नहीं है, तो पहले आईडी पासवर्ड नहीं है तो उसके लिए आप आईडी पासवर्ड क्रेडिट करेंगे, तो उसके लिए आपको आ जाना है क्लिक हियर सिंग अप पे। और यदि आप सीएससी चलाते हैं तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे आप लॉगिन कर सकते हैं। हम यूजर आईडी पासवर्ड क्रेडिट करेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ जाना है। उसके बाद में आपको एंटर डिटेल्स में अपना बेसिक डिटेल डालना है, जैसे नेम डालना है, जेंडर चॉइस कर लेंगे, और उसके बाद में एड्रेस डाल देना है, उसके बाद में आपको पोस्ट डाल देना है, उसके बाद में आपको स्टेट चुन लेना है, जिस राज्य में आप रहते हैं उस राज्य का नाम आप डाल देंगे जैसे। उसके बाद में आपको डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है, उसके बाद में आपको पिन कोड मिल जाएगा जो आपके एरिया का पिन कोड होगा। दोस्तों, मोबाइल नंबर आपको एक्टिव रखना है जो मोबाइल नंबर आप चलाते हैं। दोस्तों, ईमेल आईडी जो है वो आपको एक्टिव रखना है, ईमेल आईडी आपको चालू रखना है। ईमेल आईडी पे आपका एक यूजर आईडी और पासवर्ड जाएगा और लिंक जाएगा, उससे ही आप यूजर आईडी पासवर्ड को क्रेडिट कर सकते हैं। दोस्तों, ठीक है, इस प्रकार अपना यूजर आईडी पासवर्ड क्रेडिट कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपनी सीएससी आईडी से इसे बताएंगे, सीएससी आईडी से कैसे इसे लॉगिन करते हैं, सीएससी से आईडी से इस फॉर्म को कैसे अप्रूवल कराते हैं, इस फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करते हैं। दोस्तों, ठीक है, आप यूजर आईडी और पासवर्ड आपकी मेल पर चलाया जाएगा। यदि आप यूजर आईडी क्रेडिट करना चाह रहे हैं, क्रेडिट भी कर सकते हैं। यूजर आईडी आपको मेल पर चलेगा, मेल पर आने के बाद में आपको यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से अपना यूजर आईडी डालेंगे, यूजर आईडी जैसे मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, पासवर्ड जो आपने क्रेडिट किया उसे डाल सकते हैं और कैप्चा डाल देंगे और लॉगिन पे ओके कर देंगे। हमारे पास सीएससी आईडी है तो हम डिजिटल सेवा को आईडी को लॉगिन करेंगे और डिजिटल सेवा आईडी को जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारा जो पोर्टल लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद में आपको यहां मिल जाएगा लॉजिक पब्लिक ग्रेवेंस, तो हम लॉजिक पब्लिक ग्रेवेंस में जाएंगे। जैसे लॉजिक पब्लिक ग्रेवेंस में जाएंगे वैसे हमें यहाँ आई एग्री पे ओके करने को मिलेगा और सबमिट पे ओके करने को मिलेगा। ठीक है, सबमिट पे ओके करने के बाद में आपको यहाँ मिल जाएगा मोर मिनिस्टर डिपार्टमेंट स्टेट गवर्नमेंट। दोस्तों, इस पे ओके करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, स्क्रॉल डाउन करके आपको लास्ट में आ जाना है। यहाँ पे भी जो मिनिस्टर डिपार्टमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, वो आपको सब नजर आ जाएंगे। और हमें देखना है रूरल डिपार्टमेंट। दोस्तों, तो रूरल डिपार्टमेंट में जैसे ओके करेंगे तो वैसे आपको सिलेक्ट मैन कैटेगरी मिल जाएगी। यहाँ से सिलेक्ट मैन कैटेगरी की आप कंप्लेंट, जैसे किस प्रकार की आपकी कंप्लेंट है, तो आप यहाँ से चॉइन कर लेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रूरल। तो आप ग्रामीण रूरल पे इसे जैसे ही आप इसे ओके करेंगे तो आपकी जो सिलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी होगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी कि रिक्वेस्ट न्यू आवास के लिए है। तो आपको हाँ, रिक्वेस्ट न्यू आवास के लिए है, तो आपको रिक्वेस्ट न्यू आवास के लिए चुन सकते हैं। उस प्रकार आपको यहाँ से चुन लेंगे तो हमारा रिक्वेस्ट न्यू आवास के लिए है, तो हम रिक्वेस्ट न्यू आवास में उसे ओके कर लेंगे। और न्यू रिक्वेस्ट आवास में जैसे ही हम ओके करेंगे तो नेक्स्ट आपको कैटेगरी यहाँ से मिल जाएगी। बाद में आपको यहाँ से चुन लेना है न्यू आवास के लिए, रिक्वेस्ट हम डालेंगे न्यू आवास के लिए, प्रधानमंत्री आवास के लिए, तो आपको चुन लेना है। इस प्रकार आपको यहाँ से चुन लेना है रिक्वेस्ट जो होता है न्यू आवास के लिए स्टेटस, और जो आपको चुन लेंगे, और जैसे आप चुन लेंगे यहाँ से आपको मिल जाएगा जो आपको जो लिंक है वो आपको यहाँ से दिख जाएगा, सिलेक्ट योर लेवल कैटेगरी। और आपको यहाँ से जो प्लीज एंटर यहाँ दिख रहा है टेक्स्ट मैसेज में, आपको यहाँ से दिख लेना है जो टेक्स्ट मैसेज है आपको टाइप करना है। जैसे टाइप करेंगे वो हम दोस्तों आपको बताते हैं, इसका जो मैटर होगा दोस्तों हम आपको बताएंगे कि इसमें आपको क्या टाइप करना है, क्या आपको टाइप नहीं करना है। अपने पास से भी आप कुछ ना कुछ टाइप कर सकते हैं। जैसे आपने डाला निवेदन इस प्रकार है प्रार्थनी या प्रार्थी जो भी, दोस्तों आपको एक फॉर्मेट तैयार करना है, यहाँ से मिल जाएगा निवेदन इस प्रकार है प्रार्थनी जो प्रार्थनी है प्रार्थी है जो भी है, आपको लेडीज है तो प्रार्थनी लगाएंगे और जेंट्स है तो आपको प्रार्थी लगाना है। दोस्तों यहाँ से नाम डाल देंगे, उनके पिताजी या पति का नाम, निवासी डाल देंगे जो भी है, आपको यहाँ से ब्लॉक डाल देना है, तहसील डाल देंगे, तहसील ब्लॉक आपको अपने हिसाब से डालना है दोस्तों। और उसके बाद में आपको यहाँ से लिख देना है कि प्रार्थी का जो कच्चा मकान है, झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, प्रार्थनी जो भी है आपको मैटर में लिखना है। और जो भी मैटर आपको और भी बढ़ाना है तो आप अपने स्तर से भी और इसे बढ़ा सकते हैं।
और इतना भी आपको लिख देना है, जो भी अपने अनुसार लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। और इसमें जो दोस्तों डॉक्यूमेंट सपोर्टेड होगा, डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करना है दोस्तों। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट बता देते हैं। डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको एक फ़ोटो होगा, फुल में आपका फ़ोटो होगा, जो आवेदक बनना चाह रहा है उनका फ़ोटो, मकान होगा, मकान के बाहर का जो मकान आ जाए और उसके जो अपना फ़ोटो फुल आ जाए वो एक फ़ोटो होगा, आधार कार्ड होगा, और आधार कार्ड के बाद में आपको बैंक पासबुक होगा, उसके बाद में आपको राशन कार्ड होना चाहिए, उसके बाद में जब राशन कार्ड और बैंक किताब, आधार कार्ड और एक फ़ोटो अटैच, जब पीडीएफ फाइल बना लेंगे, और पीडीएफ फाइल जो होगी 4 MB से कम होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अगर दोस्तों आपको नहीं पता कि पीडीएफ फाइल कैसे बनाते हैं तो गूगल में सर्च करना है JPEG to PDF, तो PDF फाइल बन जाएगी आपकी। जैसे JPEG फाइल जैसे करेंगे तो आपको PDF फाइल एक फाइल कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट जैसे आप PDF फाइल बना लेंगे तो दोस्तों आपको 4 MB से कम रखना है फाइल को। जैसे आप 4 MB से कम रखेंगे वैसे आप चॉइस फाइल करेंगे, चॉइस फाइल जैसे करेंगे वैसे आप अटैच करेंगे, अटैच करने के बाद आप उसे नेक्स्ट पे ओके कर देंगे। जैसे आप अटैच फाइल करेंगे तो आपको यहाँ से फाइल का जो अटैचमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी जो कंप्लेंट होगी वो आपको यहां से दर्ज हो जाएगी और आपको यहां से मैसेज हो जाएगा योर ग्रेवेंस इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली रजिस्टर्ड नंबर। दोस्तों यहां से आपको जो नंबर होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आपको यहां से प्रिंट कर लेना है या आपको मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेना है, इसे रख लेना है दोस्तों, ठीक है। और जो कंप्लेंट होगी वो दोस्तों आपको 1 से 2 महीने लग सकते हैं इस कंप्लेंट का। आपका जो मैसेज होगा, जो आपको फीडबैक वापसी आएगा, जो आपको इससे आपको कॉल भी आ सकती है, स्टेटस चेक करना है तो आप इसके जरिए आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमने जो कंप्लेंट डाली थी, प्रधानमंत्री आवास योजना की जो लिस्ट में नाम दर्ज करने के लिए कंप्लेंट डाली, वो कंप्लेंट हमारी कितने दिन में सक्सेस होगी, क्या उसका स्टेटस क्या है, उसका स्टेटस भी आपको पता चलता रहेगा। आपके पास में कॉल भी आती रहेगी, जो अधिकारी आपका जिस लेवल पे आपका जो फॉर्म बढ़ता रहेगा उस लेवल से आपकी कॉल भी आती रहेगी दोस्तों, ठीक है। इस प्रकार आप भी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, घर परिवार में या किसी की भी कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि कच्चा मकान में रह रहे हैं या झोपड़ी डाल के रह रहे हैं या पिन्नी डाल के रह रहे हैं तो इस प्रकार अपने जो PG पोर्टल के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, और उसके तहत आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा मिलता है मकान के बनाने के लिए, वो आपके खाते में जल्द से जल्द ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जो सर्वे होगी वो सर्वे होने के बाद में आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लाभ मिलता है, जो कमरा मिलते हैं, वो आपको जल्द से जल्द मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपके एक कंप्लेंट में कुछ नहीं होता दोस्तों तो आप कम से कम महीने में 3 कंप्लेंट डाल सकते हैं। इसमें 2 से 3 कंप्लेंट डाल देंगे तो आपकी जो जल्द से जल्द सुनवाई जल्दी हो जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना की जो सूची आती है उसमें नाम आपका दर्ज हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।